रहीम बंदा न चीज असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.6। बच्चों इसका स्मार्ट सिलेबस है FSE की मैथ सेकेंड ईयर की। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करें प्राइम। बच्चों ये एक डंडा सा लगा दिया एफ के ऊपर उसने, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों डेरिवेटिव। प्राइम एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, हमने एक दफा डेरिवेटिव मालूम करना है। बच्चों इसका जोज नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1, e की पावर x माइनस 1। बच्चों हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट लेना है। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे। बच्चों इस प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे, e की पावर x माइनस 1। अब ई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। बच्चों ई का डेरिवेटिव क्या है, ई फंक्शन वैसे का वैसे, बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या हमारे पास, एक्स का अंडर रूट माइनस 1। तो बच्चों ई की पावर एक्स माइनस 1। अब इसके ऊपर डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/2, डी ओवर डी एक्स 1 का डेरिवेटिव। तो बच्चों e की पावर x माइनस 1 पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक काम बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 0। बच्चों e फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। बच्चों इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये e की पावर x माइनस 1 1/2 एक्स की पावर, इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। और ये पावर किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ये 2 एक्स का अंडर रूट। ये बच्चों क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों जोज नंबर इसका 1। जोज नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे। बच्चों इस प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे और इस तरफ भी लगा देंगे डेरिवेटिव, e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड। बच्चों यहां पर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशेंट रूल। बच्चों कौन सा रूल लगेगा, क्वोशेंट रूल। दूसरा फंक्शन वैसे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर, ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसी तरह आ गया। ई का डेरिवेटिव क्या, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या हमारे पास, एक्स माइनस ई की पावर एक्स। ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास, माइनस एक्स। बच्चों e का डेरिवेटिव क्या, e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव ले लेना आप। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x, dx dx के साथ कैंसिल होके 1 ही आ गया, माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। मसावी
बच्चों ई एक्स को इन दोनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। बच्चों माइनस माइनस प्लस, ये वाली माइनस इस माइनस को क्या कर देगी, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स ओवर ई माइनस एक्स प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स। बच्चों ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जमा, माइनस का एक्स प्लस का एक्स, दोनों की बेस सेम है पावर जमा हो जाएगी, प्लस ई की पावर एक्स। बच्चों बेस सेम है पावर क्या हो जाएगी, जमा ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर। प्लस माइनस कैंसल, ई की पावर जीरो, प्लस माइनस कैंसल, ई की पावर जीरो ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों अगर कि ई की पावर जीरो किसके बराबर है, वन के बराबर। अगर किसी भी वैल्यू की पावर अगर आ जाए जीरो तो वो किसके बराबर होती है, बच्चों वन के बराबर। तो हमारे पास आ गया वन प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर जीरो वन के बराबर, ई माइनस एक्स प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर। वन प्लस वन बच्चों कितना आ गया, टू, प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोज नंबर 4। जोज नंबर 7 बच्चों, जोज नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। बच्चों हमने इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। बच्चों इस प्राइम, बच्चों ये ऊपर डंडा सा लगा दिया उसने एफ के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक दफा डेरिवेटिव। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, सारे की जजर की कीमत कितनी है बच्चों, 1/2। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या, हमारा पावर शुरू में, पावर में से एक काम, बच्चों पावर में से एक काम, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x, ये 1/2। इसी तरह नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, बच्चों 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरी, बेस क्या बच्चों हमारे पास, ये चीज बेस कहलाएगी, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जजर भी आ जाएगा। बच्चों क्या आ जाएगा, जजर, नेचुरल लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये 1 ओवर ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब इसका ई का डेरिवेटिव क्या, ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास 2x, इसका ई का डेरिवेटिव, ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास, माइनस का 2x। तो बच्चों हमारे पास 1/2 अंडर रूट नेचुरल लॉग ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x, 1/ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ई का 2x इसी तरह आ गया। x का डेरिवेटिव, 2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1, 2 आ गया यहां से, प्लस माइनस माइनस ई माइनस 2x,
एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया तो टू आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, वन ओवर टू जजर नेचुरल लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, वन ओवर ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। बच्चों ये वाला टू इस टू के साथ कैंसल, जो हमारी वैल्यू बच गई ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर है बच्चों। क्या आ गया, फाइनल आंसर ये था जोज नंबर सेवन। अब बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे एट। बच्चों हम होमवर्क भी करेंगे और क्लास वर्क भी करेंगे। जब हम थक गए तो छुट्टी भी कर लेंगे। जोज नंबर एट, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जजर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। बच्चों ये जो सा जजर है ये सिर्फ बेस के ऊपर जजर है, लॉग की बेस के ऊपर जजर है। नेचुरल लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इस ये जजर किसके बराबर है, 1 बाय 2 के बराबर है। अगर लॉग की, बच्चों ये लॉग की बेस है, अगर लॉग की बेस के ऊपर पावर आ जाए, लॉग क्या करेगा पावर शुरू में ले आएगा। बच्चों लॉग की बेस के ऊपर पावर आ जाए, लॉग क्या करेगा पावर शुरू में ले आएगा। ये पावर किस में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, वन बाय टू नेचुरल लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स वाई। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, वन बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव बच्चों नेचुरल लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू। अब लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर बेस, बच्चों ये लॉग की बेस है, एल एन से मुराद क्या, नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। तो बच्चों ये वन बाय टू, इसी तरह वन ओवर ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव बच्चों, पावर का डेरिवेटिव प्लस ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या हमारे पास माइनस का टू एक्स। तो बच्चों वन बाय टू, वन ओवर ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ई की पावर टू एक्स। इसी तरह एक्स का डेरिवेटिव, टू तो कांस्टेंट, कांस्टेंट टू को बाहर निकाल देंगे, एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू। तो बच्चों ये प्लस, इसी तरह ई फंक्शन ई माइनस टू इसी तरह आ गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन, तो माइनस टू आ गया, माइनस टू। तो बच्चों हमारे पास वन बाय टू, वन ओवर ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ई की पावर टू एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स। बच्चों ये टू इस टू के साथ कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ गया ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों जोज नंबर एट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं अभी हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।